हरिद्वार में आ चुके हैं और ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि गंगा माई बह रही है। और यहाँ हमारे साथ कुछ डिवोटीज आए हैं ये हरिद्वार एंड ऋषिकेश कैंप में, तो आज ये हमारा दूसरा दिन है। और ये जो हमारे साथ वन डिवोटी हैं, इनसे हम कुछ एक शॉर्ट वीडियो में कुछ रियलाइजेशन और कुछ पॉइंट पूछना चाहते हैं। तो प्रभु जी, आपका नाम सुदीप प्रभु जी, और आप करते हैं स्टूडेंट? ही इज स्टूडेंट एंड ही मतलब एग्री टू कम विद अस फॉर टू डे कैंप इन हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो प्रभु जी, आपने क्या क्या अभी मतलब कैंप में कितनी एक्टिविटी, कौन कौन से प्लेस विजिट करे? हम लोग यहाँ पे कल आए थे, सुबह आए थे हम, तो हम सबसे पहले गए थे दक्ष प्रजापति मंदिर वहाँ पे। तो वहाँ पर हम सब ने दक्ष प्रजापति का जो लीला है तो उसका हमने देखा था, वहाँ पर मंदिर विजिट किया था। उसके बाद हम घर की पौड़ी गए, वहाँ पे हमने स्नान किया, तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा। और उसके बाद हमारी उससे पहले हमारी क्लासेस हुई थी, स्पिरिचुअल क्लासेस होती थी, तो वो बहुत ही उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था ना। और स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति कैसे करना है, जो हमारा कल का क्लास का टॉपिक था, भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे, भक्तों का गुण कैसा होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। तो अभी तक तो बहुत अच्छा अनुभव है। और अभी आज आज हमारा नेक्स्ट डे है और आज भी हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ पर भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ जो हमने यहाँ पर करी हैं? तो एक सबसे अच्छा एक्टिविटी तो मुझे लगा जो मैंने किया और उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला, तो वो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। या बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करा हमने, और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, तो उसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज ए इंडिविजुअल की उसमें कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, तो बहुत कुछ सीखने का मिला बुक। क्योंकि बुक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोग क्या अक्सर मना करते हैं, उसे निग्लेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो, बट हम उनको कन्विंस करते हैं कि कैसे ज़रूरी है। मैं भी एक यूथ हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो कैसे मेरे, मैंने खुद ये अप्लाई करा है और मेरे को दिखा है कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आए, बेनिफिट मिला है, तो उससे मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि आपके अंदर भी ये चेंजेस आएगी। तो बहुत लोग उससे प्रभावित होते हैं, बुक्स खरीदते हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव। और इसके अलावा प्रभु जी, आप इससे पहले भी कैंप में गए होंगे मतलब मटेरियल अपने कॉलेजेस से, तो ऐसा कुछ कैंप हुए हैं आपके पहले? हाँ, मैं काफ़ी कैंप में गया हूँ ऐसे, मैं एनसीसी में भी अपने कॉलेज में, तो उसमें भी कैंप में जाता हूँ मैं। तो मतलब एनसीसी कैंप में गए और हमारे साथ डिवोटीज के साथ, इस्कॉन नोएडा डिवोटीज के साथ आप आए हो, तो इन दोनों कैंप में कुछ अलग से मतलब विजिट जा मतलब करते हो, तो कुछ अलग अनुभव करा आपने बाहर के लोगों के साथ और डिवोटीज के साथ? क्या आपका बहुत 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 ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है उस कैंप में और इस कैंप में? तो वो कैंप यहाँ पे, इस कैंप में क्या है, बेसिकली हम बहुत कुछ सीखते हैं, स्पिरिचुअली वैल्यूज सीखते हैं बहुत कुछ, है ना। और एनसीसी जैसे मैं अगर सिर्फ एनसीसी कैंप का बात लेके चलूँ तो उसमें क्या है कि वो अलग चीज़ है, वहाँ पे सीखने को मिलेगा बट वो मटेरियल है और उस पर ऐसा एसोसिएशन नहीं मिलेगा, अच्छा एसोसिएशन नहीं मिलेगा वहाँ पर। वहाँ पर मटेरियल लोग होते हैं और ना, और एनसीसी जो है वहाँ पर थोड़ा अब्यूज लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं लोग, है ना। तो वहाँ पे तो मतलब जो हमारा माइंड है वो सब बिल्कुल ही लो लेवल का रहता है ना, थॉट्स जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। और जो ये स्पिरिचुअल कैंप है ये सब, तो इसमें क्या है हमारे थॉट्स वगैरह एकदम प्योर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो प्रभु जी हमारे साथ कैंप में आए, प्रभु जी का धन्यवाद। और हम आशा करते हैं प्रभु जी आगे भी हमारे साथ ऐसे कैंप जो भी होते हैं। राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण तो प्रभु जी भी हमारे साथ कैंप में आए हैं हरिद्वार में, आप देख सकते हैं गंगा किनारे बैठे हुए। तो कुछ प्रभु जी से कुछ क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है ना प्रभु जी। जैसे आप एक वन डे हो चुका है तो हमारे साथ जो डिवोटीज के साथ, ग्रुप के साथ आपने क्या क्या एक्टिविटी करी जो आपको लगी कि हाँ होनी चाहिए अच्छी बात? एसोसिएशन ही बहुत अच्छी एक्टिविटी अपने आप में, इतना रेयरली मिलता है कि इतने सारे 50-60 और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन रही बात मंडेन एक्टिविटीज की, वो मंडेन तो है नहीं, सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी है हमने। और हम हरिद्वार आए, हमने फ्रेश होने के बाद प्रसाद वगैरह लिया और फिर दक्ष प्रजापति मंदिर गए, वहाँ पे
काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पे सती जी ने आत्मदाह किया था। उसके बाद हमने बहुत अच्छा प्रभु जी ने सत्संग किया। माधवेंद्र गुरु जी की पूरी उनकी जीवन के बारे में उन्होंने हमें बताया और उनसे सत्संग ही अपने आप में बहुत अच्छा था। उसके बाद हम हर की पौड़ी गए, वहाँ हमने स्नान किया और फिर सबसे उसके बाद जो एक्टिविटी हुई वो बहुत अच्छी थी, जो कि अपने आप में सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी थी क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन था। हर की पौड़ी में कम से कम लाखों संख्या में लोग आए हुए थे और सभी से तो नहीं लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों से हरे कृष्णा और पढ़िए बुक पढ़िए ऐसे बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोगों ने इंटरेक्ट किया, कई लोगों ने नहीं लिया लेकिन काफ़ी लोगों ने लिया भी, तो प्रभु अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा तो अपना आप कहना चाहते हैं जैसे कीर्तन हो गया, बाकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन और विजिट प्लेस को कुछ एक्टिविटी जो हमें स्पेशल यहाँ पे कर रहे हो, गंगा स्नान कर रही है तो कुछ अलग से आपको रियलाइजेशन आई कहीं पे कोई भी किसी भी एक्टिविटी में? एक्चुअली सभी एक्टिविटीज में अलग रियलाइजेशन है क्योंकि कुछ ऐसी रियलाइजेशन जो आपको बताना चाहें। एक तो मैं हरिद्वार पहले जा चुका हूँ लेकिन वो फैमिली और अकेले आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हम आते हैं फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी ऐसे सीखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज़ जो मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी जो बारे में हमने सुना है वो ऐसे भगवान के ऐसे भक्त थे जो कि अगर दूध ना मिले तो कुछ लेते नहीं थे उनके जीवन में, सिर्फ दूध लेते थे और भिक्षा भी नहीं मांगते थे, अगर अपने आप को जा कर दे दें तो ही ठीक। तो इससे प्रेरणा ये मिलती है कि हम भी वैसा तो नहीं कर सकते अभी के समय में लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भक्त बनने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की आपने सीखा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हार नहीं माननी है, लोग तो रिजेक्ट करते हैं मना करते हैं, तो इससे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने के लिए रियलाइजेशन एक चीज़ जो प्रभु जी मैं थोड़ा ऐड करना चाहता, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ कृष्ण हरिद्वार में आए हैं, पिछली बार में आए फोटो वोटो खिंचा के चले जाते हैं, लेकिन जैसे इस बार आए डिबोटी के साथ इनको सीखने को मिला माधवेंद्रपुरी आचार्य के बारे में, तो ये भगवान भी कहते हैं कि अगर आप किसी तीर्थस्थल में जाते हो और अगर वहाँ पर मतलब गंगा स्नान ही करके आ जाते हो, किसी साधु से नहीं मिलते, तो वो गोखर के जैसे ही है, गोखर जैसे गाय भैंस होती ना तीर्थस्थल में आती है और कौवे आते हैं उसके जैसे चले जाते हैं, कुछ सीख के नहीं जाते। प्रभु जी इस बार आए हमारे साथ कुछ सीख के आशा करते हैं बहुत। बाकी आप कुछ हमारे जो इंस्पायरिंग डिवोटी है फ्यूचर में या जो इस वीडियो को देखेंगे उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे कुछ भी? तो मैं कल के सेशन से ही एक लाइन बोलूँगा कि हमारा मनुष्य जीवन ये संसारिक लोगों के लिए नहीं है, अगर हम भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारे व्यस्त जीवन से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि थोड़ा टाइम निकालिए, हालांकि हमें पूरा टाइम निकालना चाहिए भगवान के लिए लेकिन इनिशियली जैसे हम लोग कर रहे हैं सभी आप लोग भी इनिशियल टाइम निकालिए और जगतगुरु श्री प्रभुपाद की। ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऋषिकेश में जाते समय हमारे पास ये बीच में आया है टेम्पल और यहाँ हम दर्शन किए और जो शंकर जी का ये टेम्पल है हमने यहाँ दर्शन किया। और आज हमारे साथ अभी जो प्रभु जी है मनमोहन प्रभु है, हरे कृष्ण प्रभु, और प्रभु जी अभी तो पढ़ाई करते हैं फर्स्ट क्लास में और ये भी हमारे साथ कैंप में आए हैं, तो प्रभु जी से भी कुछ रियलाइजेशन या एक्टिविटी पूछना चाहते हैं कि आपको कैंप कैसा लगा, तो आपने कैंप में क्या क्या आपको विशेष एक्टिविटी लगी जो स्पेशल लगी?
मेरे को एक्टिविटी देख तो ये रही कि जो भक्तों का संग मिला बहुत अच्छा, और हर समय कीर्तन होता रहता तो वो तो और भी अच्छी बात है, साथ में गौड़ नेता आए हैं तो उनकी भी कृपा है, और हरिद्वार पहली बार आए मैं भक्तों के संग के साथ, फैमिली के साथ आते तो उतना होता भी और जगह भी नहीं पता रहती और भी चीज़ें देखने को मिली, बस यही बात है, बस डेवोटीज का एसोसिएशन था और बहुत अच्छा कीर्तन। तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब खाली दर्शन ही किया है, कुछ आपने कुछ प्रयास भी कर रखा करने का? कुछ प्रयास तो किया था कि हाँ कैसे और भक्ति में आगे बढ़ सकूँ मैं, और कुछ एक्टिविटी जैसे कुछ सेवाएं सेवाएं कुछ ये थी कि गौड़ नेता को बस थोड़ी देर लेके खड़ा था प्रभु की कृपा है वो तो, और नटवर प्रभु जी ने मतलब दिया था थोड़ा सा मौका प्रभु की सेवा करने के लिए, और बस थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था और कीर्तन भी हम लोग नाचते थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कितनी देर करा आपने? बस प्रभु जी आधा घंटा लगा था उसमें, तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा पर फिर भी मतलब प्रयास किया। आपका पहली बार था जो आगे भी आप करते रहेंगे, और आपको कैब्स को बाकियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो हमारे बाकी के लिए? तो ये कहता हूँ आप बिल्कुल आके ज्वाइन करें हमारे साथ, और जो बहुत अच्छा आपको लगेगा हर जगह घूमने को मिला, घूमने की बात ही नहीं है, इतना पवित्र लगे और इतनी हैप्पीनेस लगी आपको क्या ही बताओ, आप खुद ज्वाइन करके देख लीजिए, बस हरिनाम संकीर्तन में मग्न हो जाइए। और क्या और कुछ अगर स्पेशल रिलैक्सेशन आप एक्स्ट्रा स्टेप्स कहना चाहते हैं? और वो थे जब मतलब गंगा मैया का स्नान कर रहे थे तो फिर सारे भक्तों को ऐसे हंसता खेलते देख के बहुत अच्छा लगा, बस ये था गंगा स्नान। ठीक है भाई, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और आपको ऐसे ही नए भक्तों के साथ मिलाते रहे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु जी है हमारे साथ और देख से आप आसपास का टाइम देख सकते हैं, जगह देख के मतलब व्यू देख के समझ सकते हैं कि आप नाइट हो गया और हम गोइंग टू बैक टू नोएडा। तो प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज कितने राउंड सेंटिंग कर लिया आपने? प्रभु आज 12 राउंड हो गया। 12 राउंड बिल्कुल। सो जैसे आप तो हमारे साथ कैंप में थे पूरे 2 दिन, तो आपने क्या क्या एक्टिविटी करी कैंप वालों के साथ, डिवोटीज के साथ मिलके? एक्टिविटीज़ तो क्या मतलब हर की पौड़ी गए थे, तो वहाँ पे गंगा स्नान किया और घाट पे बैठ के आरती वो करी, मतलब चैंटिंग करी मैंने, ऊपर से उधर भागवतम सेशन जो हुआ प्रभु जी का वो सुनने को मिला, वो बड़ा अच्छा लगा। घाट पे रह के पूरा वो शौनक ऋषि और वैसा पूरा फील आ रहा था, जैसे सुखदेव गोस्वामी उनको 88,000 ऋषि को सुना रहे थे, वो फील आ रहा था। और आज भी बड़ा मज़ा आया जब गंगा के घाट गए थे हम उधर ऋषिकेश में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो और कुछ क्या मतलब इसके अलावा ये तो कुछ एक्टिविटीज़ होगी हमारी कीर्तन बाकी चीज़ें क्लासेस जपा, इसके अलावा आपने मतलब हम कौन कौन से जगह गए थे ऐसा कुछ बताना चाहें जो स्पेशल जगह कुछ भी? एक तो उधर गए थे जहाँ पे सती जी ने मतलब यज्ञ कुंड में चले जाकर अपने वो अपने शरीर अपना परित्याग अपना शरीर परित्याग कर दिया था, वो तो मेन जगह थी। दूसरा आज हम गए थे शिव जी के बद्री वन में, बद्री कुछ आश्रम कुछ ऐसा करके थी, शिव जी भगवान शिव की वो जगह थी, वहाँ पे गए थे। और हर की पौड़ी और ऋषिकेश तो मेन थे, तो ये चार जगह। और कुछ आपकी रियलाइजेशन अगर कैंप से हो कुछ बढ़िया रियलाइजेशन सब कुछ करना था, तो यही कि भाई अच्छा लगा मेरे को सुबह अर्ली मॉर्निंग जपा करके, अलग फील आया। ऐसे यूजली मैं नून में ही करता हूँ तो इतना कुछ वो और रहता नहीं है मतलब मेरे अंदर एंथुसियाज्म कि भाई जपा करना है कंसंट्रेशन करनी है, लेकिन ये कि डिवोटीज के साथ रहकर वो सुबह जो फील आया वो अलग ही लगा, मेरे को अच्छा लगा। तो ये आपको कुछ रियलाइजेशन? और मैं ये पूछना चाहता था जैसे हम डिवोटीज के साथ आते हैं कैंप में, ये कुछ डिफरेंट होते हैं क्या आपको लगा कि कुछ डिफरेंट होते हैं अगर हम किसी नॉन डिवोटी के साथ घूमने आए? बिल्कुल, एक मतलब धाम में आके जैसे हम कल उधर गए थे गोलोक धाम गए थे उस टेंपल में, तो उन्होंने हमें बताया कि हरिद्वार के मतलब क्या महात्म्य है, हरिद्वार में सप्तऋषि का एक वो है, उसके बाद यहाँ पे जो थे पांडव थे वो यहाँ यहीं से स्वर्ग के लिए गए थे, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिला। जबकि फ्रेंड्स वगैरह के साथ आते तो सिर्फ हंसी मजाक ही होता, घूमना फिरना होता और उसमें ही पूरी जर्नी खत्म हो जाती, बट यहाँ पे हर चीज़ हमें पता चली कि भाई किसका क्या पर्पज़ है। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता था आज कुछ ऐसी घटना हुई जिससे आप सभी के बीच में छा गए तो बताना चाहेंगे? वो यूँ हुई कि मैं मतलब लास्ट जो यात्रा गई थी उसमें भी सबसे लेट मैं आया था और ये वाली यात्रा में भी सबसे लेट मैं ही था। लेट आने का मतलब क्या? अरे लेट आने का क्या हो गया कि थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया था, तो आराम आराम से आता था मैं, आगे चला गया ज़्यादा आगे चला गया मतलब 3-4 किलोमीटर आगे चला गया। लेट आने का मतलब है हम सब निकलने के लिए तैयार रहते हैं और ये पता नहीं कहीं और रहते हैं, तो ये ठीक है प्रभु जी। बिल्कुल, आप हमारे साथ इस कैंप में थे पिछले कैंप में जी, और आपको याद रखेंगे और सभी लोग याद रखेंगे, सभी मेरे को याद रखेंगे। हाँ, तो हम आशा करते हैं आप भी नेक्स्ट कैंप में भी आए। बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। जय गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारे साथ एक नए डिवोटी हैं प्रभु जी, आपका नाम? इधर से आइए। पंकज। पंकज पंकज को एंड व्हाट डू यू डू, अभी क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? सो आप इस कैंप में आए हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई इस कैंप में? बहुत मेरे को इस कैंप में बहुत अच्छा लगा, यह हरिद्वार ऋषिकेश का कैंप मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे पहले भी मैं गया था कैंप में वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ पे मुझे लगा कि उससे ज़्यादा काफ़ी मिला इस कैंप में एक्टिविटी। और सबसे ज़्यादा अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे को कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो कीर्तन के थ्रू मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाया, जो नए डिवोटीज हैं उनसे मैं कनेक्ट हो पाया। और यही मैं अपना एक और रियलाइजेशन जैसे बताना चाहूँगा, जैसे कि नए डिवोटीज हैं मैंने देखा उनके अंदर काफ़ी उत्सुकता है कीर्तन के प्रति, भगवान के प्रति उनसे काफ़ी अटैच है वो, है ना। और भी मैं चाहूँगा अगले अगर हम अगले किसी कैंप में भी जाएँ तो हमारे हमारा सौभाग्य होगा हमारे हमें और ऐसे डिवोटी मिले जो कृष्ण भावना में बहुत अटैच हो, कीर्तन में अटैच हो, है ना। और अपना सब मैं पूछ रहा था कि कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी कैंप में करने को मिलती है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करा था और कीर्तन तो करा ही करा, बहुत मज़ा आया कीर्तन में। और इवन हमने गंगा स्नान भी करा, है ना, और आज भी कल भी करा था हमने, और आज हम ऋषिकेश में आकर करा था। कल हमने हरिद्वार में किया था और आज ऋषिकेश में।
और कुछ इसके अलावा? और तो प्रभु, और जो प्रभु जी थे हमारे इस स्कूल में जितने भी गुरु जी के लेक्चर हुए वो भी सुनने में काफ़ी आनंद आया, उससे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। इसके अलावा एक चीज़ और करी हमने सुबह सुबह जब आ करा गंगा किनारे, हमने सुबह सुबह मंगल आरती भी करा। तो ये कैंप में ये फूल हम डिवोटी जाते हैं तो भगवान को भी लेकर जाते हैं साथ में, बहुत निताए थे हमारे साथ, हमने मंगल आरती भी साथ में करा, गंगा किनारे पेंटिंग भी करी, तो ये तो आनंद के। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रियलाइजेशन तो आपने शेयर करी कि इस कैंप में कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ जो आपको हंसाता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी किसी और पे हंसाता है या फिर? हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जब हम कीर्तन कर रहे थे तो जो हमारा स्पीकर था जो कीर्तन कर रहा था उनका जो माइक था बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, और जहाँ पे आवाज़ निकल रही थी वहाँ पे आवाज़ बंद पड़ गई, और जो बाकी वक्त थे वो इधर उधर देखने लगे कीर्तन की आवाज़ तो आ रही है पर एकदम से बंद कैसे हो गया, तो वो तो उसकी सेल ख़त्म हो गई थी माइक की, तो उसकी वजह से हमारा कीर्तन ऐसा हुआ। बाकी कीर्तन में भी बहुत अच्छा लगा, सभी भक्तों ने अपना बहुत अच्छा सा योगदान दिया, बहुत अच्छे से कीर्तन करा और बहुत आनंद भी आया। ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका नाम और क्या करते हैं आप? मेरा नाम दीपांकर, मैं भी स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ अभी किस चीज़ में? अभी 11th में कॉमर्स। तो प्रभु जी हम इस कैंप में आए तो इसमें आपको क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटी करने को मिलती है? सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में मंगल आरती है, उसे थोड़ा एक्टिवनेस आता है बॉडी में, डांस होता है, अब डांस के साथ साथ आरती अलग ही फील होता है मॉर्निंग में। उसके अलावा मॉर्निंग में उठो जैसे कि पहले मैं था लेट होता था कभी 7 बजे, 4 बजे उठता तो थोड़ा दिन लंबा जाता है, जो एक्स्ट्रा काम होता है वो भी कर लेता हूँ। उसके अलावा कुछ और एक्टिविटी करनी है तो सुबह की होगी, दिन भर हमने क्या किया? हम पूरे कैंप में क्या क्या करते हैं? हम तो सबसे पहले आए थे कि पहले हमें आए हरिद्वार, हरिद्वार में आए सबसे पहले हमने करे दर्शन हरिद्वार जी के, गंगा जी के, हमने पहले सबसे पहले स्नान किया, स्नान में अलग ही आया, गंगा स्नान किया तो उसमें थोड़ी एक्टिवनेस आ गई, तो उसमें क्या हुआ कि हमें स्नान करके थोड़ा अलग ही फील आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद हरिद्वार आ रहा हूँ, मैं कितना छोटा था 5-7 साल का था तभी आया हूँ, आज मैं 18 साल का हूँ, 10 साल बाद आ रहा हूँ, अलग ही थोड़ा फील। प्रभु जी आप आए, डिफरेंट एक्टिविटी करी और तो आपको कि जैसे कैंप आते हैं डिवोटीज़ के साथ, तो डिवोटीज़ का शेड्यूल टाइमिंग कुछ और होता है बाकी लोगों को ना, जैसे घर में तो लेट उठते हैं ऐसा प्रकार, ऐसा कुछ लगा कि ज़्यादा तो बस से होती है? नहीं, अकेले आने में इतना इंजॉयमेंट नहीं होता, मतलब डिवोटीज़ के साथ ऐसा डिवोटीज़ के साथ आओ अलग ही फील वो होता है, इन्वायरमेंट रहता है, ऐसा कुछ लगा नहीं कि ज़्यादा कुछ करवा रहे कम नहीं, मतलब लगता है कभी कभी। और क्या लर्निंग्स क्या रही आप? जैसे कि वो हमारे गुरु जी ने क्लासेस लिए, 2 सेशन लिए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा सीख मिली, जैसे कि उन्होंने बताया था कि दादा गुरु के बारे में बताया था, उन्होंने कई सारे भगवान जी को 900 घड़े से उनका वो किया था, कई सारी चीज़ें बताई थी, 2 साल तक हुआ था ये सब, ऐसे कुछ काफ़ी पॉइंट है कि हमें सिखाते भी हैं, जैसे कि फेथ रखना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमारा फेथ है। और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसमें आपको लगता है कि फ़नी इंसिडेंट आपके साथ या कैंपस में? फनी क्या, पानी में जैसे जा रहे हैं बहुत ठंड लग रही है, पानी दूसरे में उछाल रहे हैं लगी हमें जब स्नान करें, आपका एक्सपीरियंस जो था आपने बताया शेयर करा अच्छा है, तो उसके लिए धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। मेरा फर्स्ट कैंप था तो फर्स्ट कैंप में मतलब अच्छा है। हरे कृष्णा। तो हमारा आज जो शाम हो गई है और हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश कैंप बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, तो हमारे साथ एक नए प्रभु जी हैं जिनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। प्रभु जी आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम मनीष है और मैं इस पर नोएडा से जुड़ा हुआ हूँ, तो और
काफ़ी मतलब, और मैं यहाँ पे भक्ति कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी भक्ति चल रही है मेरी, मैं काफ़ी कुछ जान पाया है एक्चुअल में भक्ति क्या होती है, अभी तक हम लोग को भक्ति को लेके क्या परसेप्शन था और एक्चुअल में भक्ति क्या है वो सारी चीज़ें जानने का और समझने का मुझे मौका मिला और काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्रभु जी वैसे आप मतलब भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन बाकी मटेरियल लाइफ में क्या करते हैं, मतलब बाकी मटेरियल लाइफ में मतलब मेरा अपना ट्रैवल का काम है और मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ और उसी में मैं काम करता हूँ। तो आप बताइए हमारे डिवोटीज को जो भी है कि कैसे कैसे हम मतलब एक्टिविटी करते हैं, अगर आप डिवोटीज के साथ आते तो क्या क्या एक्टिविटी करने को मिलती है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा खुद का ट्रैवल का काम है, तो मैं टूर में ट्रैवल और मैं काफ़ी ट्रैवल खुद भी करता रहता हूँ, पर ट्रैवल करना और मतलब एक भक्तों का संग मिलना और भक्तों के साथ अगर आप किसी धाम पे जाते हो, क्योंकि जैसे कि अभी प्रभु जी ने बताया कि हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश आए, हरिद्वार और ऋषिकेश का मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये जगह जानने के बाद लोगों के मन में 5-6 कुछ गिनी चुनी चीज़ें आती हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि भक्तों का संग, तो मेरे को मैं सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इन लोगों ने मौका दिया अपने साथ लाने का, मेरे को लेके आए और धाम के दर्शन कराए, भक्तों के साथ आया, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिला, भक्तों का संग मिलना ही एक आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है जो कि मुझे मिल पाया, और काफ़ी कुछ किया हम लोगों ने, जैसे कि हमें जपा करने का मौका मिला, हमारी क्लासेज हुई, क्लासेज में हमें ये जानने का मौका मिला कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसमें हम लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और सबकी। और इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्टिविटी जो आपने करी इस कैंप के लिए? इस मतलब जैसे कि मैं जपा करता था अपने घर पे नॉर्मल दिनों में, बट हाँ यहाँ पे जब आके हम लोगों ने गंगा जी के किनारे बैठ के जपा किया तो वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और बाकी हर बार की तरह जो लेक्चर होते हैं हमारे, जो क्लासेज होती हैं, वो सारी क्लासेज में जो ज्ञान मिला मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें वो, और वो मेरी लाइफ में, मैं अगर बात करूँ अपनी मटेरियल लाइफ की, मेरे बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वो उसमें भी ग्रोथ में मुझे बहुत हेल्प करती है, तो ये मेरी रियलाइजेशन है। अच्छा प्रभु जी लाइक आप बता रहे हो कि आपका ट्रैवलिंग का आप मतलब ऐसी पवित्र होली प्लेसेस जाते भी होंगे उनको लेकर कभी कभी हो सकता है और हमारे साथ आई डी बोली, तो ऐसा क्या डिफरेंस लगा आपको मेजर डिफरेंस एक दो? जैसे कि मैंने बोला कि भक्तों का संग, आप ऐसे आते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो ऋषिकेश एक ट्रैवल स्पॉट है, पर एक्चुअल में ऋषिकेश क्या है, गंगा जी क्या है, उसको समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, वो ज्ञान मुझे मिल पाया कि गंगा क्या है, मतलब कहते हैं ना कि मानो तो गंगा मई और ना मानो तो बहता पानी, तो एक्चुअल में वो गंगा क्या है वो आपको समझने का मौका मिला, वो मुझे समझने का मौका मिला इस कैंप में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस भौतिक संसार में लिप्त होकर रह गए और बहुत सारी एक्चुअल चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे, वो सारी चीज़ें मेरे को एक्चुअल में यहाँ पर समझने को मिली, और सबसे मेजर जो मैं बोलना चाहूँगा भक्तों का संग, जो कि आपको आज के टाइम पर मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, वो मुझे मिल पाया। सो जैसे प्रभु जी बार बार कह रहे हैं भक्तों का संग, सो अगर कोई भी नया डिवोटी अगर उसको भक्तों का संग हकीकत में जानना है तो टेम्पल में अगर नहीं आता या कहीं हमारे फेस्टिवल में आता, बट कैंप में वो आ सकते हैं, क्योंकि कैंप में डिवोटी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि डिवोटी का भाव क्या होता है, भक्तों का संग कैंप बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा कुछ इंस्पिरेशन चीज़ें किसी डिवोटी से सीखी या किसी कुछ एक्टिविटी से सीखी या कोई स्थान से सीखी, ऐसा कुछ है आपके पास? मैं कि सेवा का भाव क्या है, कि सेवा करना सब चाहते हैं, अगर मैं बात करूँ सेवा की, तो अगर आप किसी से भी पूछो कि हाँ सेवा करनी है तो आपको बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे, अरे कुछ ऐसा होता है मुझे भी बताना, पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे कि जब उनको सेवा का मौका मिलता है तो बहाने उनके पास बहुत होते हैं, पर यहाँ पे मैं जान पाया एक्चुअल में सेवा क्या होती है, और सेवा करना और एक निस्वार्थ सेवा करना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है, तो निस्वार्थ सेवा आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो कि मुझे एक्चुअल लाइफ से भी बहुत इंस्पायर। आशा करते हैं कि आगे भी हमारे साथ कैंप में जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।